हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और एक नई सुबह की शुरुआत कर रहे हैं सुबह 8 बजे से। और आज मेरे फेस पे आप लोगों को अजीब सी स्वेलिंग लगेगी, क्योंकि मेरे ना पता नहीं क्या हो गया, दर्द हो रहा है दोनों साइड में। पता नहीं क्या होगा, तकलीफ़ हो रही है, पता नहीं क्या हुआ है। कल हल्का था, आज ज़्यादा है, सुबह सुबह ही ज़्यादा हो रहा है। शाम को मैंने टैबलेट ली थी जिसकी वजह से रिलीफ हो गया था, लेकिन अब फिर से हो रहा है ये। और नए व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं सुबह सुबह से। काम उधर का सारा फिनिश किया है, झाड़ू लगी है, बर्तन साफ़ हुए हैं। एक बार के बच्चों को थोड़ा सा, मतलब सुबह सुबह थोड़ा थोड़ा जो मील देते हैं वो दिया है। अब इधर की ये घास निकालनी है, बहुत ज़्यादा घास हो गई है, बहुत ज़्यादा हो रही है। रोज़ छोड़ देती हूँ ये सोच के कि कल करेंगे कल करेंगे, लेकिन अब तो करना पड़ेगा। बहुत बड़ी हो रही है ना, बड़ी हो जाती है तो जानवर घुसते हैं ना इसमें। जानवर से मतलब है इंसेक्ट्स घुसते हैं, सांप वगैरह भी घुस जाते हैं। तो इसको निकाल लेते हैं और फिर आगे इस व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। आप चैनल पर आ गए हैं तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर मम्मा दीजिए। पढ़ना मत, हाथों से पढ़ोगे ना तो सांप काट जाएगा यहाँ पे। अच्छा, सांप काट देगा यहाँ पे। तो चलिए फिर नया व्लॉग शुरू करते हैं। हेलो जी, कैसे हो आप सब? और व्लॉग स्टार्ट वैसे मैं कर चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर से आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने घास निकालना शुरू कर दिया है। अब बहुत से लोग, मैं आप लोगों से आज बहुत सारी बातें करने जा रही हूँ, बहुत सारी, जो कि पिछले दिनों में जो भी क्वेश्चंस उठे हैं, जो भी आप लोगों ने सवाल पूछे हैं, कुछ आप लोगों ने राय दी है, सबके बारे में मैं कुछ बात करना चाहती हूँ आप लोगों से। तो यहाँ पर ये घास बहुत ज़्यादा हो गई थी, पहले तो ये बता दूँ, तो ये निकाल दूँगी। तो ये थोड़ा थोड़ा करके निकलेगी, एक दिन में निकलेगी नहीं, थोड़ा सा आज निकाल रही हूँ। थोड़ा सा क्या, वैसे मैंने निकाल दी थी ज़्यादातर इस दिन। वैसे मैंने शुरुआत की थी तब मुझे लग रहा था कि मेरे से नहीं हो पाएगा एक दिन में, लेकिन मैंने सारी निकाल दी थी। जब भी जुनून से लगती हूँ, जब दिखता है कि हाँ अब कोई कोई भी मतलब रास्ता नहीं है, टाइम नहीं है, मुझे करना ही पड़ेगा, तो फिर मैं शुरू हो जाती हूँ, फिर मैं रुकती नहीं हूँ। तो वही हुआ ये यहाँ पे। सुबह पहले आ गई थी इधर घास निकालने के लिए, शिवांश और नैनी जो है वो दोनों बस कैमरा उठाकर कुछ कुछ कैप्चर कर रहे हैं। ये मशरूम है, मतलब मशरूम क्या है, सांप की छतरी बोलते हैं, आप लोगों ने बताया था, ये जंगली मशरूम है। तो ये लगी हुई है इधर, और बुरा हाल हो चुका है मेरे इस घर का, बहुत बुरा हाल हो चुका है। जब इसको देखते हैं ना तब ऐसा होता है कि क्या कर दिया, मतलब बीच में बीमारी आई, तब उसके बाद में तकलीफ बढ़ी, तो इतना हाल ख़राब हो गया इसका कि संभालने का मौका ही नहीं मिला। मैं क्या क्या संभालती यार, समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं समझ आ रहा था, तो नहीं संभाल पाई और बस हो गया, इसका हालत ख़राब हो गई। अब इसको संभालने की दोबारा से जिम्मेदारी उठाई है। शर्मा जी कह रहे हैं कि उधर वापस शिफ्ट होना है, यहाँ नहीं रहना है, वहीं रहेंगे अपने घर में। और अपना घर होता है ये, चाहे कोई भी हो, सब अपने घर को मतलब संवारने की कोशिश करते हैं, तो मेरा घर यही है। और समय के साथ में इसमें डेवलपमेंट भी आप देखेंगे, धीरे धीरे इसमें सुधार देखेंगे, धीरे धीरे यहाँ पे बहुत कुछ देखेंगे, लेकिन समय के साथ होगा। ऐसे नहीं है कि बहुत जल्दी मिनटों में हो जाता है। तो यहाँ पे बस मैं आई थी, मेरे साथ साथ शर्मा जी, शिवांश, नैनी, चारों पहुँच गए हैं। और थोड़ा थोड़ा करके करेंगे ना तो हो जाएगा। देखो आप सामने झोपड़े के पास देख रहे होंगे, राम कुटिया के पास बहुत सारी घास उग गई है और अंदर भी पहुंच गई है। यहाँ पर इंसेक्ट्स आ रहे हैं और बुरा हाल हो चुका है। यहाँ पर मेरा घर बनेगा, भविष्य में यहीं बनना है, तो मैं इस जगह को कैसे छोड़ दूँ, मैं इसको कैसे छोड़ूँ, ये बताइए आप। नहीं छोड़ा जाता यार, बस ये होता है, इसमें मेहनत लगी है। आप सबको पता है, जिन्होंने मेरे पिछले व्लॉग देखे हैं, तो पिछले जो व्लॉग जिन्होंने देखे उनको पता होगा, इसको बनाने में हमने खून पसीना एक किया है, कैसे छोड़ देंगे यार। मतलब आप लोगों की बात भी सही है कि उसी घर में रहो, लेकिन वो होता है ना कि अपना तो अपना ही होता है, जो कि हमने खुद की खून पसीने की कमाई से बनाया है, इसको हमने अपने हाथों से बनाया है। हम अपने सिर के ऊपर, मैं और शर्मा जी, हम अपने सिर के ऊपर इसका सब कुछ ढो कर के लाए थे। कैसे छोड़ दूँ मैं इसको, ख़राब होते हुए कैसे देख लूँ, बताओ। जब तक मेरी हालत ऐसी थी कि मैं नहीं संभाल पा रही थी, मैंने इसको छोड़ के रखा था, लेकिन अब है ऐसा कि मैं इसको संभालने का टाइम निकाल रही हूँ। टाइम मैनेज करने से निकलता है, ऐसे नहीं निकलता। मैं आप लोगों से बहुत सारी बातें आज कर रही हूँ, इनमें वो होता है ना कि समझदार को इशारा काफ़ी होता है। आप समझना की कोशिश करना मेरी बात, कि मैं, मेरा घर है, मैं नहीं छोड़ सकती इसको। और धीरे धीरे हम, देखो ये
मेरे बच्चों ने, ये जो ये आप सामने फ्लावर्स देख रहे हैं, ये मेरे बच्चों ने हाथों से लगाए थे अपने। इसमें गिलास से पानी डाल डाल के इनको सींचा है। बाद में इनको छोड़ने में तकलीफ होती है यार, कैसे छोड़ा जाएगा। अभी इसको बस सुधारने का टाइम मिला है तो इसको सुधार रहे हैं और इसको कोशिश कर रहे हैं कि ये दोबारा से पहले जैसा मैं अपना स्वर्ग से सुंदर अपना घर बनाऊँ। और पीछे भी इसके बहुत सारी घास हो गई थी, मैंने सारी उखाड़ी है। अभी ये झाड़ी बची है, इस झाड़ी को निकालना है, जो कि मेरे से नहीं हो पाया क्योंकि मेरे हाथ में लगी हुई है तो मेरे कांटा चुभ गया उधर, तो जिसके कारण ये रह गया। तो ये बाद में होगा। अब मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या किया है। इधर बहुत सारा कचरा फैला था जिसको झाड़ू से साफ़ किया है। और अपना काम सबको अपने आप करना होता है, नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है कि अपने आप हो जाएगा, करने से होता है। तो मैंने आज किया तो मेरा हुआ, देखो क्लीन हो गया ये इधर का। अब एक कोशिश और करनी है कि ये सारा बारिश की वजह से इसका जो मैंने लीपा था ना, इसको लेप लगाया था, वो सारा धुल गया, तो मुझे वो दोबारा से करना पड़ेगा। और इसके अंदर का हाल मैं दिखाती हूँ। यहाँ से कुछ सामान तो मैं ले गई थी जो मुझे ज़रूरी लगा था कि जिसके बिना काम नहीं चलेगा। शर्मा जी की तबीयत ही इतनी डाउन थी यार कि मुझे वहाँ पर एडजस्ट होना पड़ा। और हर माहौल में इंसान अपनी ज़रूरतों के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। जब इंसान की ज़रूरत होती है तो उसको उसी हिसाब से एडजस्ट होना होता है। और यहाँ दीमक लगने लगी है इसको, देखो इसमें पैसा भी लगा है मेरा, ऐसा नहीं इसमें पैसा नहीं लगा, पैसा भी लगा था, मेहनत भी लगी थी, तो इसमें दीमक लगने लगी है। अब ये ख़राब हो रहा है तो इसको संभालना हमारी जिम्मेदारी है। हमारी क्या, शर्मा जी की तबीयत ख़राब है तो सबसे पहले तो मेरी ही जिम्मेदारी है कि मुझे इसको संभालना पड़ेगा, दूसरा कौन आएगा इसको संभालने के लिए। और मैं आप लोगों से आज नॉन स्टॉप बातें किए जा रही हूँ। आप लोग भी सोचेंगे कि क्या है दीदी आज इतना क्यों बोल रही है, तो बस इसलिए क्योंकि मुझे इधर अब आना है एक दो दिन में। और आप लोग बहुत सारे कमेंट करने वाले हो, मुझे पता है उस चीज़ का, आप लोग बहुत कुछ बोलने वाले हो, तो इसलिए मैंने आप लोगों के सामने पहले ही अपनी बात रख दी है। प्लीज़ आप समझने की कोशिश करना। ये देखो जी, धूप में मतलब मेरे मुँह में दाल है, बोल लो ना जा रहे हो, धूप में दाल सिखाई है। बारिश हुई ना कई दिन तो थोड़ा सा शख्स हो जाए है, अजीब सो, तो मैंने धूप में सुखा दी। दोपहर का 12:30 बज रहे हैं और मैं आई थी, यह दाल सुखा रखी ना, हाथ फेरने एक बार, परन चना सुखा रखे हैं। अब चलांगा नीचे, जीजी कर रही है जाने की तैयारी। जीजी आई थी ना, जीजी जाने की तैयारी हो रही है। माँ खा ली रोटी, रोटी खा रही है, खड़ी नमक ज्यादा तो कोई जान है तू, शक्ल लो तेरे चाचा को टेस्ट खराब हो रहे हैं। आज भी चलता है ये भगवान है मान बेर नकी मुझे सच्ची में चलता है। बता मैं कल खड़ी बनाई, कल थोड़ा नमक बत्ती पड़ेगो। मैं आज सुबह पहले गई ओजू तोड़ ले, मैं ओजू बनाऊंगा आज। बेमन का पावना कौन, बेमन का कौन था, मैं सच में बहुत मन कर रही हूँ। सही बात है, एकदम टाइट जी। तू काल आए, मैंने आज को दिन तो गयो तेरो काल आए तू, मैं बताऊँ तेरे मैं को नहीं बड़ बुलन में आऊँ, थोड़ा सा काम करवा दिए जना बुल जाएगी। मोटी और क्या करना है, हाँ भाई कोई मोटा होना पसंद करे है देख लो। जी जी आराम फरमा रहे हैं। तो जी यहाँ पर मैं आई हूँ ग्वारफली तोड़ने के लिए और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, देखो कितनी सारी ग्वारफली लगी हुई हैं। वैसे मैंने सुबह भी तोड़ी थी और सुबह भी मैंने एक्स्ट्रा तोड़ के रखी थी और अभी भी मैं और ज़्यादा तोड़ के रख रही हूँ क्योंकि ये इस बाद में पक जाएंगी और इनको तोड़ के रख देंगे तो इनको मैं सुखा दूँगी, जिसकी एक टेस्टी सी नमकीन भी बनती है। सूखने के बाद मैं आप लोगों के साथ में रेसिपी भी शेयर कर दूँगी उसकी। और शर्मा जी को बहुत ज़्यादा पसंद है वो नमकीन। और कच्ची कच्ची फलियाँ तोड़ के ना जब इकट्ठा करके रखते हैं ना, और दूसरा इस टाइप की चीज़ें जो होती है ना एक्स्ट्रा में रखते हैं ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। दूसरी बात ये कि जब सब्जियाँ स्टोर करके वो जो कि खेत में लगी हुई हैं, अगर एडवांस में मेरे पास अवेलेबल रहती ना तो एक अंदर एक अलग ही खुशी रहती है, पता नहीं ये अजीब सी खुशी मेरे को ही होती है क्या, और किसी और को भी होती हो तो बताना मेरे को कमेंट बॉक्स में कि एक्स्ट्रा में कुछ भी खेत से मिल जाए, मतलब फ्री में मिल गया, मेहनत तो लगी है लेकिन फ्री में मिला है वो। और
अच्छा लगता है बस थोड़ा सा, क्या बताऊँ आप लोगों को अब इससे ज़्यादा। तो ये बात है। और आगे मैं क्या कह रही थी, हाँ मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि हाँ उधर जाएंगे, तो प्लीज़ मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ इस चीज़ को किसी नेगेटिव वे में मत लेना। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि नेगेटिव लेकर जाते हैं, तो प्लीज़ नेगेटिव लेकर ना जाना। मेरी फैमिली मुझे बहुत अच्छे से समझती है, मेरी वाइटी फैमिली मुझे बहुत अच्छे से समझती है। बस थोड़ा सा टाइम का मतलब वेट करना कि आप देखना हम किस कारण से जा रहे हैं। आप खुद कहोगे कि हमने एक बहुत ही अच्छा फैसला लिया। तो चलिए इस व्लॉग का एंड करते हैं और एक नए वीडियो के साथ मिलती हूँ।